बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम की तरक्की के प्लेटफॉर्म से। आज हम करंट अफेयर फरवरी 2021 के कुछ सवाल हैं, उसको देखेंगे। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द पाकिस्तान रैंक इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020-105। इसका राइट आंसर है फिर, व्हाट इज़ द पाकिस्तान रैंक ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020-124। इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, व्हाट इज़ पाकिस्तान रैंक इन द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 88। इसका राइट आंसर है। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021-107। इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, द ब्रिटिश sold the Kashmir to Gulab Singh under the Treaty of Amritsar. Iska right answer hai. Phir hai, the Shandur Pass connect Chitral with Gilgit. Iska right answer hai. Lever stock firm LES Rock Gulaman is the world फक्कर। इसका राइट आंसर है BHAKKAR। फिर अहमद खान खरल द फेमस करेक्टर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग टू झामरा। इसका राइट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान कंटेन ह्यूज प्रॉफिट ऑफ कॉपर चागी। इसका राइट आंसर है। द हाइएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड इज सियाचिन ग्लेशियर। इसका राइट आंसर है। उस्ताद अल्लाह बख्श वॉज अ फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान पेंटर ऑफ पाकिस्तान। उस्ताद अल्लाह बख्श वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ पाकिस्तान। फिर शो भोरजी CHAUBURJI इन लाहौर इज वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट बिलोंग टू द मुगल पीरियड। इट वॉज रिपोर्टेडली बिल्ड एज अ गेटवे टू ब्यूटिफुल गार्डन बिल्ड फॉर प्रिंस जेबुन निसा। शी वॉज एन अकॉम्प्लिश डॉटर ऑफ विश मुगल एम्परर। इसका आंसर है औरंगजेब। फिर यदि करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज जावेद जहांगीर। नेक्स्ट है, द कराकरम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वॉज कोमोलेटेड is 1978। इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 12 मार्च 1949। इसका राइट आंसर है। द ओनली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज नूरुल अमीन। इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 30 ईयर्स। इसका राइट आंसर है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन 48 आवर्स। इसका राइट आंसर है। टॉम ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज इन मिठनकोट। इसका राइट आंसर है। फिर नांगा पर्वत इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालया। इसका राइट आंसर है। फिर द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC इज प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब सर सिकंदर हयात खान। इसका राइट आंसर है। द काबुल रिवर एम्पटीज इन टू द इंडस रिवर नियर
अटक इसका राइट आंसर है. द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेगम जहांआरा नवाज शाहनवाज इसका राइट आंसर है. फिर ट्रम ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान 3 years इसका राइट आंसर है. इसके बाद है डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है. फिर हबा खातून इस फेमस पोएटेस ऑफ विच लैंग्वेज कश्मीरी इसका राइट आंसर है. फिर रिनाउंस उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज बैंकर इसका राइट आंसर है. फिर लॉरी पास LOWARI लॉरी पास कनेक्ट्स दिर विद चिचराल इसका राइट आंसर है. डॉक्टर रुथ फाओ द मदर ट्रेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन अगेंस्ट विच डिजीज लिप्रोसी इसका राइट आंसर है. आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इसका राइट आंसर है. द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू कायद आजम सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर है. फिर कायद आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोलेट एक्ट इसका राइट आंसर है. फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान इज 350 न्यूटिकल माइल्स का राइट आंसर है. फिर सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव अ माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ साइनो पाकिस्तान रिलेशन या सिनो पाक रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड हिज सर्विस टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इसका राइट आंसर है. फिर पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विथ द कोऑपरेशन ऑफ कैनेडा इसका राइट आंसर है. फिर कपास का फूल इज द बुक रिटन बाय अहमद नदीम कासमी. फिर जहांगीर खान वॉन स्क्वाश चैम्पियनशिप फॉर द टाइम ब्रिटिश ओपन इसका राइट आंसर है. उसके बाद हु वाज़ द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए आगा हिलाली आगा हिलाली इसका राइट आंसर है. द पाकिस्तान साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज डॉक्टर रजीउद्दीन मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी. फिर वैन सुई गैस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान 1952 इसका राइट आंसर है. क्या हमारे सेप्टा SAPTA इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशन. फिर हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क 8 कंट्रीज. फिर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान 1046 किलोमीटर इसका राइट आंसर है. इसकी लेंथ कितनी बता रहे हैं कोस्ट लाइन है 649 माइल मतलब 649 माइल्स और 1046 किलोमीटर. अगर माइल्स में आ जाएगी तो 649 माइल्स कहलाएगी और किलोमीटर में आएगी तो 1046 किलोमीटर कहलाएगी. फिर सिंध वाज सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे इन 1936 इसका राइट आंसर है.
वास्को डी गामा वाज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल, इसका राइट आंसर है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी, वास्को डी गामा वाज बॉर्न अबाउट 1460 एट सेंस SINES सेंस पुर्तगाल। फिर पखान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, इसका राइट आंसर है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी, पाकिस्तान इज सेपरेट नैरोली फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय अफगानिस्तान, वखान कॉरिडोर इज द नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है अर्थक्वेक ऑफ 1935 स्ट्रक विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, कोयटा, इसका राइट आंसर है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, अ फोटोग्राफ टेकन ऑन जून 1935 शोज सर्वाइवर ऑफ अ 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन कोयटा बलूचिस्तान। अरे बतूरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी, बतूरा ग्लेशियर इज द वर्ल्ड 7 लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर एंड पाकिस्तान 4th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, इट लाइज द गोजल रीजन ऑफ ऑफ द मिसी फिस MASSIFS ऑफ बतूरा एट 7795 मीटर्स 25,574 फिट एंड पासू एट 7500 मीटर्स 24,600 फीट, दी ग्लेशियर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। फिर OGDCL सेकेंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, यह कदीरपुर, इसकी भी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, लोकेटेड इन घोटकी सिन प्रोविंस। सिन कदीरपुर रैंक एज द सेकेंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान आफ्टर सुई विद ओरिजिनल रिकवरेबल रिजर्व ऑफ अबाउट 4 TCF। द फील्ड वॉज डेवलप इन 3 फेसेस, इंक्रीज इट्स कैपेसिटी फ्रॉम द इनिशियल 235 MMSCFD to 500 MMSCFD. In 2008, the capacity was further enhanced to 600 MMSCFD. इसके बाद उच्च UCH उच्च गैस फील्ड आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान, इसका राइट आंसर है। फिर हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, अहमद हुसैन सियाल, इसका राइट आंसर है। अमजद हुसैन सियाल इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, सला रोमन ऑफ श्रीलंका अज्यूम ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क ऑन 1 March 2020। उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिद हुसैन, थोड़ी एक्सप्लेनेशन इनके बारे में। जाहिद हुसैन 1893 से लेकर 1893 को पैदा हुआ, 1957 में इनकी डेथ हुई। वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक फ्रॉम जून 1948 टू जुलाई 1953 तक ये रहे। ही आल्सो सर्व एज पाकिस्तान फर्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया फ्रॉम अगस्त 1947 टू अप्रैल 1948। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वसीम सज्जाद, इसका राइट आंसर है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन इनके बारे में, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वास हबीबुल्ला मरवत वाइल वसीम सज्जाद रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन, बलूचिस्तान सेनेटर मोहम्मद सादिक संजरानी इलेक्टेड टू सेनेट एज एन इंडिपेंडेंट इन द मार्च 3 इलेक्शन इन द करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट
having assumed office on 12 March 2018. The Kirtan Mountain Range is located in Sindh, Balochistan. दोनों में आती है, यही राइट आंसर है. द कीर्थन माउंटेन आर द माउंटेन रेंज लोकेटेड इन बलूचिस्तान एंड सिंध. द माउंटेन एक्सटेंड साउथवर्ड फॉर अबाउट 190 माइल फ्रॉम द मौला रिवर इन ईस्ट सेंट्रल बलूचिस्तान टू कैप मोंजी ऑन द अरबियन सी. फिर हु इज द PENULTIMATE Viceroy of India. तो Lord Wavell. इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन Wavell. Lord Wavell जो 1883 को पैदा हुआ, 1950 को इनकी डेथ हुई. Viceroy of India रहे ये 19 जून 1943 से लेकर मार्च 1947 तक. फील्ड मार्शल लॉर्ड आर्चिब्लड वेवेल वाज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस टू हिज अपॉइंटमेंट एज अ ब्रिटिश PENULTIMATE वाइसराय ऑफ इंडिया. फिर जिना पाकिस्तान इस्लामिक इंडिपेंडेंट दी सर्च फॉर सलादीन इज रिटन बाय अकबर अहमद. इसका राइट आंसर है उसके बाद है विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिक्योर गवादर फरोज खान नून. इसका राइट आंसर है फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान नवाब अमीर मोहम्मद बिलोंग टू कालाबाग. इसका राइट आंसर है इसके बाद मलिक अमीर मोहम्मद खान ने डाइड 1967 आल्सो नॉन एज द नवाब ऑफ द कालाबाग वास प्रोमोटेड फर्डल लॉर्ड पॉलिटिशियन एंड द सेवेंथ नवाब ऑफ द कालाबाग स्टेट इन मियावाली डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सरदार मसूद खान. ये था फरवरी 2021 का. कुछ करंट अफेयर भी था, कुछ पाकिस्तान अफेयर था, पाकिस्तान स्टडीज के भी सवाल थे कुछ. उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आपके किसी करंट अफेयर के पोर्शन ऐसा बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी सवाल मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन के पेपर में आ चुके हैं. और इलेक्शन कमीशन का पेपर अभी 7 मार्च को ही हुआ है और लेक्चरारशिप के भी पेपर में इसके आने के इम्कान थे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.